वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है कुछ न्यू फॉर यू के फ्रेश कमाल एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं तो आपको बहुत सी सेटिंग्स के बारे में नहीं पता होगा आईफोन्स की, तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी सेटिंग कह सकते हो, आप टिप्स या ट्रिक्स बोल सकते हो, आज ऐसी ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईफोन की, जिनको आप नहीं जानते होंगे और कभी आपने शायद सुना भी नहीं होगा इस बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको आईफोन की वो टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं। तो सबसे पहली टिप्स की मैं बात करूं तो हम पहले जाते हैं सफारी ब्राउज़र में। सफारी ब्राउज़र में जाने के बाद मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ जहाँ मेरी उंगली है, तो यहाँ देखिए मैंने कितने सारे टैब्स खोल रखे हैं। अब मेरे को इन सब टैब्स को एक साथ बंद करना है, तो मैं यहाँ डन के बटन पे होल्ड करके रखूँगा, तो देखिए यहाँ क्लोज ऑल टैब्स का ऑप्शन आ गया। अगर एक साथ आपको सभी टैब्स बंद करने हैं तो आप यहाँ से डन के ऑप्शन पे होल्ड करके कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको एक स्पेसिफिक टैब बंद करना है तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने कैनन ग्लोबल वाला ये टैब बंद करना है एक, तो मैं यहाँ ऊपर जाके सर्च में जाऊँगा और यहाँ मैं लिखूँगा कैनन ग्लोबल वाला, तो कैनन के जितने भी टैब खुले होंगे ना वो सब इसमें आ जाएंगे और आप इजीली बंद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली सेटिंग्स। जो दूसरी सेटिंग है वो हमारी ये है कि कई बार ऐप्स, कोई एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं तो कई ऐप्स हमसे ये बोलती हैं कि आप हमारी ऐप को रेटिंग्स दे दीजिए, रिव्यूज़ दे दीजिए। तो आप उस चीज़ को कैसे रोक सकते हो, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको सेटिंग में जाना है, सिंपली आपको अपना आईट्यून्स और ऐप स्टोर में जाना है। आईट्यून्स और ऐप स्टोर में जाने के बाद आपको ये दिख रहा है वो ऑप्शन, इन ऐप रेटिंग्स एंड रिव्यूज़, ठीक है। आप इसको सिंपली ऑफ कर दीजिए, इसके बाद आपको कोई ऐप नहीं बोलेगी रिव्यूज़ और रेटिंग के लिए। अगर आपका ये ऑप्शन ऑन है तो आप इसको ऑफ कर लीजिए, इसके बाद आपको कोई ऐप नहीं बोलेगी रिव्यू के लिए और रेटिंग्स के लिए, ठीक है। जो हमारी थर्ड टिप्स या ट्रिक्स आप कह लो वो है कैलकुलेटर को लेके, तो हम चलते हैं कैलकुलेटर में। मान लीजिए यहाँ मैं कोई नंबर डायल करता हूँ, कुछ भी, मान लीजिए मैंने गलत नंबर डायल कर दिया, मेरे को इसको मिटाना है तो मैं कैसे मिटाऊँगा, आप ऐसे भी मिटा सकते हैं। सिंपली आप कोई भी डायल कीजिए और ऐसे आप मिटा सकते हैं। तो ये थी हमारी थर्ड सेटिंग। इसके बाद जो हमारी फोर्थ सेटिंग है उसके बारे में आपको बता दूँ। मेरे को मान लीजिए हमें कुछ ऐप्स को इनमें से लेके जाना है दूसरे पेज पे, तो हम कैसे लेके जाएंगे, सिंपली आपको होल्ड करके रखना है किसी ऐप पे, ऐसे होल्ड करके रख दिया, दोबारा से होल्ड करके इसको मूव करेंगे तो आप और जो भी ऐप्स लेके जाना चाहते हैं उन पे क्लिक कीजिए, वैसे वैसे वो ऐप इसमें ऐड होती जाएंगी और वो सब ऐप आप नेक्स्ट पेज पे लेके जा सकते हैं ऐसे। तो एक साथ आप कई ऐप्स को दूसरे पेज पे लेके जा सकते हो, ये तरीका है, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ टिप्स और ट्रिक्स की बात करूं मैं, तो अगर हमें किसी स्क्रीनशॉट को शेयर करना है तो कैसे करेंगे हम, मैं सिंपली एक स्क्रीनशॉट लेता हूं पहले, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ। अब मेरे को ये इसको शेयर करना है तो मैं इस पर होल्ड करूँगा और देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पे आ गए शेयर करने के, आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी सेटिंग स्क्रीनशॉट को लेके। इसके बाद एक सेटिंग की और बात करूँगा, अगर आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो ये सेटिंग कैमरे से रिलेटेड है। इसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है कैमरा ऑप्शन पर। कैमरा ऑप्शन पर जाने के बाद आपको ये जो ग्रिड का ऑप्शन दिख रहा है
ये आपकी फ़ोटोग्राफी को इम्प्रूव कर सकता है। तो अगर आपने ये ऑफ़ कर रखा है तो इसको ऑन कर लीजिएगा, और इसके बाद आप फ़ोटोग्राफी जब करेंगे आप एक्सपीरियंस खुद फील करेंगे क्या क्या आपको फ़ायदा मिलेगा ग्रिड का। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसी आईफोन सेटिंग्स के बारे में बात की जो शायद आपने ना पहले कभी सुनी होंगी ना देखी होंगी। तो ये सेटिंग्स आपके बहुत काम आ सकती हैं। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।